भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने जो बयान दिया है वो माफिया अतीक अहमद को डरा सकता है, क्योंकि सांसद ने माफिया अतीक को जेल से निकालकर एनकाउंटर करने की मांग की है। साथ ही एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर को सीधे स्वर्ग मिलने की बात कही है। राजभर ने यह बयान बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान दिया है। उन्होंने कहा कि जेल सरकार की है, मास्टरमाइंड अतीक अहमद को जेल से निकालकर जो भी पुलिस अधिकारी एनकाउंटर करेगा उसके लिए सीधे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। अतीक अहमद का अब तक एनकाउंटर कर देना चाहिए। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी अपराधी शामिल हैं उन सब का एनकाउंटर करने की बात कही है। पूर्व सांसद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के स्वर्ग युग में अपराध का तत्काल फैसला और तत्काल न्याय हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये पूर्व के राजतंत्र में होता था। जेल में बैठे इस घटना के मास्टरमाइंड अतीक अहमद का भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, कई हत्याएं की हैं, कई अपराध किए हैं। ऐसे में उसका जो भी प्रशासन के लिए लोग या जो भी पुलिस अधिकारी इनकाउंटर करेगा, मेरा मानना है कि उसके लिए सीधे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। हमें उम्मीद है कि सीएम योगी के शासनकाल में किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, सबको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। इससे बड़ा दुस्साहस क्या होगा कि जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने हत्या करा दी। अतीक अहमद का एनकाउंटर न्याय हित में होगा। आपको बता दें कि हरि नारायण राजभर उत्तर प्रदेश के मऊ के घोसी से भाजपा के सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी कर चुकी है। उसे कभी भी यूपी लाया जा सकता है। इसके खिलाफ साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद हाल ही में अपनी जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। एक याचिका में अतीक अहमद ने आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में उसकी हिरासत मांगेगी और अहमदाबाद जेल से प्रयागराज ले जाते हुए रास्ते में फर्जी मुठभेड़ में उसे मार देगी। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में 24 फरवरी को हुई उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक को मास्टरमाइंड तौर पर नामजद किया है। अतीक को उमेश पाल और दो पुलिस गार्ड की हत्या मामले में मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। दूसरी ओर यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद समेत अन्य शूटरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं अतीक के मददगारों के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही भी जारी है। माफिया और उसके गुर्गों पर हो रही इस कार्यवाही का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खाई माफिया को मिट्टी में लाने की कसम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।